नमस्कार मित्रों, आज हम 10वीं कक्षा के पाठ 6 बसंत की सच्चाई एकांकी के प्रश्नोत्तरों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले कवि परिचय। कवि विष्णु प्रभाकर जी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर है। कवि का नाम विष्णु प्रभाकर, जन्म उत्तर प्रदेश के मीरापुर में सन 1912 में हुआ और सेवाएं इस प्रकार है। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक के निर्देशक थे और इन्होंने गांधीवादी लेखक माने जाते हैं और इसके साथ साथ मानव मनोविज्ञान के विश्लेषण में आपको आशातीत सफलता मिली है। और प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, युगे युगे, क्रांति। और इनकी मृत्यु सन 2009 में हुआ है। अब हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए यानी अभ्यास के बारे में यहाँ पर थोड़ा चर्चा करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बसंत क्या क्या बेचता था? उत्तर इस प्रकार है, बसंत बटन, चलनी, दिया सलाई आदि बेचता था। दूसरा प्रश्न, बसंत के भाई का नाम क्या था? उत्तर इस प्रकार है, बसंत के भाई का नाम प्रताप था। तीसरा प्रश्न, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। चौथा प्रश्न, चलनी का दाम क्या था? उत्तर, चलनी का दाम 2 आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप बीकू आहिर के घर में रहते थे। अगला प्रश्न, बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? उत्तर, बसंत की सच्चाई एकांकी में 2 दृश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? उत्तर, एकांकी का प्रथम दृश्य नगर के बाजार में घटता है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आया? उत्तर, बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में विहित दुर्लभ गुण क्या है? उत्तर, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में विहित दुर्लभ गुण ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? उत्तर, पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। तो नेक्स्ट, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2 अंक वाला प्रश्न। पहला प्रश्न, चलनी से क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, चलनी से दूध, चाय, शरबत आदि जान सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? बसंत, उत्तर, साहब चलने की कीमत 2 आना है, सवेरे से कुछ भी व्यापार नहीं हुआ, चलने के 6 पैसे हैं, इससे मुझे 2 पैसे मिलेगा, कृपया आप लीजिए। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर से विनती करता है। और दूसरा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? उत्तर, क्योंकि बसंत भीख मांगकर जीना नहीं चाहता, अपने सामान बेचकर ईमानदारी से स्वाभिमान से जीना चाहता था, इसलिए बसंत राजकिशोर से
तो पैसे लेने से इनकार करता है। चौथा प्रश्न, बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? क्योंकि बसंत राजकिशोर के पैसे नहीं लौटा क्योंकि एक रुपये नोट को बनाकर लौट आते समय मोटर दुर्घटना के कारण पैर टूट गया और बेहोश हो गया, इसलिए बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौटा। प्रताप, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? उत्तर, क्योंकि बसंत ने चांद की बाकी 14.5 आने राजकिशोर को लौटाने के लिए प्रताप को कहा था, इसलिए पंडित राजकिशोर के घर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत ने राजकिशोर को चलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? उत्तर, साहब चलनी की कीमत 2 आना है, सवेरे से कुछ भी व्यापार नहीं हुआ, चलनी के 2 पैसे हैं, इससे मुझे दो पैसे मिलेगा, कृपया आप लीजिए। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर को चलनी खरीदने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? उत्तर, डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा, दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट, 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए, यानी 4 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, बसंत ईमानदारी लड़का है कैसे? ये प्रमुख प्रश्न है। उत्तर इस प्रकार है, बसंत ईमानदारी लड़का है क्योंकि वह ईमानदारी से जीना चाहता था। जब पंडित राजकिशोर चलनी खरीदने के लिए 2 पैसे देने लगते हैं तब बसंत भीख के रूप में पैसे लेना इनकार करता है। बुना लाते समय मोटर दुर्घटना के कारण पैर टूटने पर भी जब होश आया तब राजकिशोर के भाग्य पैसे लौटाने के लिए प्रताप को कहता है, इसलिए बसंत ईमानदार लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत और प्रताप आहिर के घर में क्यों रहते हैं? उत्तर इस प्रकार है, बसंत की माता और पिता को किसी ने मार डालकर वे अनाथ बन गए थे, इसलिए आहिर अपने घर में पाला था। उस दिन से बसंत और प्रताप आहिर के घर में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर, राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, वे गरीबों के प्रति हमेशा दया दिखाते थे। मानवीय दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी बसंत से चलनी खरीदता है। बसंत के मोटर दुर्घटना होने पर डॉक्टर को बुलाकर उपचार कराया, इसलिए राजकिशोर मानवीय व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपता लिखिए। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है, पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते हैं, बसंत आहिर टीला के घर। दूसरा, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत ईमानदार बालक। नेक्स्ट, पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह नौकर, प्रताप छोटाबाई वर्मा डॉक्टर। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है और एक विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट, किसने कहा और किससे कहा? जो पहला इस प्रकार है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, बसंत ने कहा और राजकिशोर से कहा। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, यह वाक्य बसंत ने कहा
और डॉक्टर से कहा। तीसरा प्रश्न, आज दोपहर को उसने आपको एक चलनी भेजी थी। उत्तर, प्रताप ने कहा, राजकिशोर से कहा।